बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत खरे। आज हमारे साथ हैं गुजरात से एमएलए और दलित नेता जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश, स्वागत है बीबीसी दफ्तर में। विधायक कहिए, एमएलए युवा विधायक, युवा नेता कहिए, युवा नेता दलित नेता विधायक। मत कहिए। अच्छा ठीक है, विधायक युवा नेता और गुजरात से हैं ये। कल नरेंद्र मोदी कैबिनेट से एक फैसला हुआ है जिसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात कही गई है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद है या फिर उसको उसको लेकर काफ़ी लोग काफ़ी कई बातें कर रहे हैं। जिग्नेश, सबसे पहले आपका इस पर क्या टेक है? ये जो कैबिनेट की तरफ से फैसला किया गया है, हालांकि उसमें लंबा अभी उसको इम्प्लीमेंट होने में भी लंबा वक्त है, लेकिन पहले आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर? देखिए, मैं इसके खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, लेकिन इससे मुझे कुछ अपील भी नहीं हुआ है। इट्स ओके काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। लेकिन एक एक बात मैं साफ तौर पे मानता हूँ कि एक नए किस्म का चुनावी जुमला है, क्योंकि प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इस वक्त पे हमारे मुल्क के संविधान में जो प्रोविजंस है उसके मुताबिक ये बात टिक नहीं सकती लीगली। तो इवेंचुअली ये जब एपेक्स कोर्ट के सामने जाएगा, उसकी डिवीजन बेंच के साथ सामने जाएगी, या एक से ज्यादा जजों की बेंच में जाएगा, तो ये बात टिकेगी नहीं। और सवाल ये होता है कि ये बात लीगली कानूनन तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली टिक सकती नहीं, इस बात से पूर्णतः वाकिफ होने के बावजूद ये जुमला लेकर मोदी जी आए हैं। उसका एक ही मतलब निकलता है कि अपीजमेंट किया जाए कुछ तबकों का, जैसे कि जाट है, मराठा है, गुर्जर है, पटेल है, जो डिमांड करते रहे, तो उनको एक लॉलीपॉप दिया जाए ठीक है। कि कल को यदि ना टिके कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली, तो कह सकते हैं भी हमने तो ट्राई किया ना, हम तो देना चाहते थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने ना बोल दिया है। तो मेरे लिए चुनावी जुमला है, एक लॉलीपॉप है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कभी भी दलित बनाम सवर्ण की राजनीति नहीं करता हूँ, ठीक है, दलितों को उनका आत्मसम्मान मिले, उनका रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और चिकित्सा मिले, सारे जाति और धर्म के लोगों को मिले, बल्कि जाति जैसी कोई चीज ही ना हो, सारी दुनिया में नहीं है। तो ये हमारा एजेंडा है। इसीलिए एससी एसटी और ओबीसी की आरक्षण के साथ इस अनाउंसमेंट के चलते कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, तो हमारा कोई विरोध भी नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो बात है उसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ, है ना। आप कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है, लॉलीपॉप है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कहा जा रहा है कि 2 बजे जो एक उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, 2 बजे पेश किया जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा का दिन एक दिन बढ़ाया गया है, तो कितनी जल्दी हो पाएगा? 2/3 बहुमत से पास होना है, उसके बाद से स्टेट लेजिस्लेचर्स वहाँ से पास होना, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये मुझे बताएं आप। इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। क्यों? हमारे संविधान के अंदर इस बात की कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता जो थे विजनरी लोग थे, ठीक है, तो उनको जिस हिसाब से आरक्षण देना था वो उन्होंने दिया है। अब कल को कोई नए जरिए से, नए क्राइटेरिया के थ्रू देना चाहिए तो उनका विषय है। ये थोड़ा मेरे लिए नई बात है। आपका इस पे कोई विचार नहीं है, कोई टेक नहीं नहीं है? है, नहीं क्यों टेक नहीं है? नहीं है, तो मैं नहीं करप्ट होने क्यों का भी नहीं, तो कारण। अरे मैं करप्ट क्यों नहीं हूं, तो तो मैं करप्ट नहीं करप, हूं, ये दो ये अलग ऐसा बात। है। हाँ, मतलब उसको थोड़ा हल्का ना करें, इसमें ऐसा होता है। मैं फ्रेंकली आपको कहता हूं, बिल्कुल हर एक मुद्दे पे, हर एक चीज में आपका कोई पोजीशन हो ही, ऐसा मेरा पोजीशन नहीं है। थोड़ी देर पहले मायावती जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही हैं इस पर, उसी बात पर। उन्होंने कहा है कि भी चुनावी स्टंट है, राजनीतिक छलावा है, लेकिन उसका उन्होंने समर्थन किया है ना। रामदास अठावले जी हैं, उन्होंने समर्थन किया है। उदित राज हैं, हालांकि दोनों बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन देखिए दोनों ने देखिए समर्थन देखिए किया वो है। कुछ कहते हैं, हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तबकों को जो आरक्षण अवेलेबल है, ईमानदारी के साथ बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इस मुल्क में उसका ट्रू स्पिरिट के साथ कभी भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो इस देश सुनिए का सबसे सुनिए बड़ी प्रॉब्लम है ना। सुनिए सुनिए इम्प्लीमेंटेशन तो सुनिए, किसी चीज का 100% ठीक नहीं है, हुआ है। तो इसी का भी नहीं होगा, तो इसमें से ज्यादा निकल कर कुछ आने वाला नहीं, खास करके तब जब सवाल यह है कि रोजगार ही नहीं है, तो मैं आरक्षण का सर्टिफिकेट लेकर क्या करूंगा? नहीं तो रोजगार का एक मुद्दा है, पिछले 4 साल से आरोप यही लगे हैं मोदी सरकार पर कि यही वो प्रमुख रोजगार मुद्दा जनरेट है। नहीं कर पाए हैं। इसी मुद्दों से लेकिन ध्यान भटकाने के हाँ लिए कभी मंदिर मस्जिद आता है तो कभी ऐसे जुमले आते हैं। हाँ ठीक है। नहीं देखिए, चुनावी उसमें राजनीतिक पार्टी अगर चुनावी इस तरह का सो कॉल्ड स्टंट बाजी नहीं करेंगी या चुनाव रणनीति नहीं अपनाएंगी, तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेड ही है कि न चुनाव नजदीक हैं और इस तरह का
इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ है उस पर आरोप लगेंगे कि चुनाव चुनावी राजनीति हो रही, लेकिन लेकिन मुझे एक बताएं कि इसके अलावा जो इसमें बात कही गई है कि जॉब्स के अलावा बात कही गई है कि जो हायर एजुकेशन है, आप एक बात समझिए, हायर एजुकेशन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का एक नौकरी वांछू युवक या युवती है वो तब जाएगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आरक्षण का लाभ लेने के लिए जब जॉब्स का अनाउंसमेंट है। लेकिन इसमें जॉब्स के अलावा एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी आरक्षण की बात कही गई है। हाँ वो ठीक है, नहीं की गई ऐसा नहीं है, लेकिन मूलतः तो वो अपने रोजगार के साथ लोग बेसिकली जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल ये सब जो आंदोलन हुए उसका जो 90% पार्ट है वो तो इसी डिमांड के साथ खड़ा हुआ है कि इस आरक्षण के चलते हमको भी रोजगार मिले। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि आपका कोई विचार नहीं है, मैं आपको दोबारा कहता हूँ मेरी पोजीशन एक कि ये आरक्षण का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके हम विरोध में नहीं है। ओके। दो, इस आरक्षण के अनाउंसमेंट के चलते इस वक्त एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ठीक है। तीन, कल को होगा तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी रखेंगे। ठीक है, कल को होगा वो हाइपोथेटिकल बात है, वो भविष्य के गर्भ में है ना, इसी बात पे नहीं है। चार, रोजगार नहीं है तो इस आरक्षण से ज्यादा कुछ निकल कर आएगा नहीं, इस बात से मैं सवर्ण समुदाय के युवा साथियों को अवगत करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आप विरोध में नहीं हैं, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप समर्थन में हैं? मैं विरोध में भी नहीं हूं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि समर्थन में, कुछ प्रोएक्टिव समर्थन में भी नहीं हूं। इसके बीच का मेरा पोजीशन है, और इस पोजीशन को कोई कंफ्यूज्ड और डायलेमा वाला पोजीशन का है आप सपोज, हाँ हाँ, तो उससे हमको दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज बताइए जिग्नेश, अब तो आप पॉलिटिक्स में, अब तो सोशल एक्टिविज्म से आप दूर है ना, तो पॉलिटिक्स में दूर बिल्कुल नहीं है, है? सोशल एक्टिविज्म से दूर नहीं है, लेकिन आप पॉलिटिक्स में भी है, पॉलिटिशियन है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन सड़कों की लड़ाई के साथ में बिल्कुल जुड़ा, आप सड़कों की लड़ाई लड़ते हैं, वही मेरी ओरिजिनल जगह है। ठीक है, लेकिन लेकिन आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप प्ले, आप पर आरोप लगेंगे कि आप सेफ प्ले कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल, तो बीबीसी हिंदी के सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि इस मामले में मैं जिग्नेश मेवानी विधायक गुजरात से सेफ प्ले कर रहा हूँ। ये तो अच्छा, मतलब हाँ, मुझे उसमें पोजीशन भी, सारी चीजों में मेरी एब्सोल्यूट रॉक सॉलिड क्लैरिटी हो ही हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मतलब चीजों को आरक्षण पे आपकी क्लैरिटी नहीं है, हाँ, ऐसा मैं कह रहा हूं, आपके लाइन पे कह रहा हूं, मेरे लिए तो नहीं बात है, इसका हेडलाइन भी कल को बन सकता है। नहीं नहीं, कोई हेडलाइन तो खैर जो बनेगी वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, और ये मैं जो हमें बीबीसी हिंदी पर देख रहे हैं, आई एम श्योर हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर, ठीक है, तीखे से तीखे क्रिटिकल सवाल पूछने का आपका काम है, ठीक है, आप पूछिए, इस आपके डेमोक्रेटिक राइट को मैं आपके साथ रहकर सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है बड़ी विनम्रता के साथ कि सारी चीजों को मैं समझता हूँ, सारी चीजों पे बहुत साफ सटीक पक्ष रख पाऊं, ठीक है, एब्सोल्यूट मेरी क्लैरिटी हो, ठीक है, बहुत क्लैरिटी वाली पोजीशन हो, ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक है, इस बार मेरा नहीं है, ठीक है, चुनाव से 5 महीने पहले आपका रिजर्वेशन पर क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं, इस मामले को लेकर मैं बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, ये मेरा पोजीशन है, ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ तो हुआ, लेकिन मुझे इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे एक सोशल थोड़ा बताइए कि मान लीजिए एक ब्राह्मण है, हायर कास्ट का, सो कॉल्ड हायर कास्ट इसे कहना चाहिए, हायर कास्ट का है और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि उन्हें रिजर्वेशन या क्योंकि सोशल जस्टिस की बात होती है, और ये भी, और ये कल जो सरकार का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें ये भी कहा गया है कि भी कॉन्स्टिट्यूशनली आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण को गरीबी निवारण के कार्यक्रम के तौर पे पेश किया नहीं, ठीक है, गरीबी निवारण के 500 600 700 सरकारी स्कीम्स है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास का मॉडल का दावा किया गया, यदि सबका साथ सबका विकास हुआ होता तो ये चुनावी जुमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समाज के किसी भी तबके को आरक्षण को ऑफर क्यों करना पड़ रहा है, आपके पास तो 56 इंच का सीना था, सुनिए, गुजरात मॉडल था, सबके साथ सबके विकास का नारा दिया आपने, आपके चलते थे जीडीपी बुम बुम होने वाला था, रोजगार खड़ा होने वाला था, स्मार्ट सिटीज बनने वाली थी, खुशहाली आने वाली थी, अच्छे दिन आने वाले थे, इन सबका क्या हुआ, फुस हो गया, तब आपको ये करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किया, कोई बात नहीं, पॉलिटिशियंस करते हैं ऐसी चीजें, और इसमें बीजेपी की अकेली नहीं है इस तरह की बातें करे, जैसा कि कल मैं उदित राज को सुन रहा था, तो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, और अगर आप जिग्नेश से सवाल पूछना चाहें तो बीबीसी का जो हिंदी का पन्ना है उस पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल भी लिख सकते हैं, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं,
मंगल पटेल पूछ रहे हैं कि इट्स जॉब्स आर्ट देयर वाई रिजर्वेशंस डोंट लीव इट. तो बेसिकली अगर नौकरी नहीं है तो रिजर्वेशन किस काम का, जैसा कि आप अपनी बात कर रहे हैं. ललित जोशी लिख रहे हैं कि यदि आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो सभी प्रकार का आरक्षण खत्म करवाने की मांग क्यों नहीं. ये इंटरेस्टिंग है. अगर आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा, आप कह रहे इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो मतलब बीपीएल कार्ड देने की योजना का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, बीपीएल कार्ड की योजना बंद कर देंगे. कुपोषण खत्म करने के लिए जो सरकारी योजना है उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो कुपोषण खत्म करने की योजना को ही खत्म कर दी, ये कोई तर्क नहीं है. लेकिन आपका तो ये भी तर्क है ना कि इम्प्लीमेंटेशन जो 10% का अनाउंसमेंट होगा वो भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा. नहीं होगा. तो आप सवाल इम्प्लीमेंटेशन पर उठा रहे हैं ना. बिल्कुल, उसका मतलब ये थोड़ी करे कि पूरी चीज को स्क्रैप कर दो. जनता को अवगत कर रहे हैं कि इससे बड़ा कुछ हो जाएगा आपके जीवन में परिवर्तन, ऐसी गलत फहमी में मत रहिए, सिर्फ यही कह रहे हैं. ठीक है, स्क्रैप ना करो लेकिन लागू ना करो. लागू पर आपका कोई विचार? लागू उतना होगा, उस उम्मीद में मत रहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कई जो राजनीतिक दल हैं वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, जिग्नेश और आप भी उनमें से लगता है शामिल हैं, कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं. आप सोचते रहिए इस बारे में. कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें मान के चलिए कल को ये अनाउंसमेंट हुआ तो इस सब्जेक्ट पे ठोस प्रतिक्रिया मैं दे पाऊं, ऐसा कंटेंट मेरे पास आज ही अवेलेबल क्यों हो, मैं भी थोड़ा सोचूं, विचार करूं, थोड़े कुछ दिन गुजरे. लेकिन ये मुद्दा कोई नया तो नहीं है ना जिग्नेश, तो बहुत ये जो मांग है ये तो कई पुरानी मांग है. इसमें इतना आज से ऐसा तो नहीं होगा ना, कल से आपने सोचना शुरू किया होगा. अनाउंसमेंट कल हुआ, सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा पुराना है, मांग पुरानी है, ऐसा तो नहीं है ना कि इस पे आपने कल से सोचना शुरू किया. लेकिन मैं अपना इस मामले में कुछ पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं. मेरा पक्ष ये है कि मैं उससे बहुत ना आकर्षित हुआ हूँ, ना उसके विरोध में हूँ. ठीक है, सोचते रहिए इस बारे में. बिल्कुल, ओके. एक कमेंट और आ रहा, रणविजय सिंह, आप इस फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं? रणविजय सिंह जी, आपके लिए, आप इस पर थोड़ा विचार करिए कि क्या विचार कर रहे हैं. नूर जलाल खान पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहेंगे कि सिर्फ एक ही आरक्षण हो जो सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बेस पर हो, चाहे धर्म या जाति कोई भी हो. जैसा कि इस सरकार का दावा है, अभी हमारे संविधान ने जिस ग्राउंड्स पर आरक्षण दिया है वो ग्राउंड्स तो कंटिन्यू रहने चाहिए. अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है. अब ये तो खैर मुद्दा अभी चलेगा और इस पर बहस होगी और हम देखेंगे कि लोकसभा में ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक कारण है इस अनाउंसमेंट का कि इस पर बहस हो. किसानों ने आत्महत्या क्यों उनकी आत्महत्या रुक नहीं रही है, क्यों महंगाई सातवें आसमान पर है, क्यों 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहे, क्यों मंदिर मस्जिद के बात पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, इस मुद्दे पर डिबेट ना हो, इस पर डिबेट हो, ये भी एक वजह इसके अनाउंसमेंट का. तो सरकार की कोशिश आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बात को आप भटकाया जाए. मुद्दे मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं. मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी तरह से कोई अमेंडमेंट लाकर इसको लीगलाइज कर दिया गया, उसको संविधान का थप्पा लगाया गया, एपेक्स कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, स्क्रैप नहीं किया, उसके खिलाफ जजमेंट नहीं दिया, मान के चलो हाइपोथेटिकली, मतलब ये 10% सवर्ण समुदाय के गरीब तबकों के लिए आरक्षण टिक गया, ठीक है. अब जो 24 लाख जॉब्स है जो सैंक्शन किए, मैं 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का मोदी जी ने जो प्रोमिस दिया था वो नहीं दिया, हम सब जानते हैं, वो हमारे साथ छलावा हुआ, उसको भी भूल जाइए. 24 लाख ऐसे सरकारी नौकरी जिनको सैंक्शन किया है, ठीक है, अब 10% आप आरक्षण दे रहे हो तो ये 24 लाख जॉब्स देने का इमीडिएटली अनाउंसमेंट करो ताकि 10% में से जो लोग अप्लाई कर पाए वो कर पाए. ये आपको अनाउंसमेंट करना नहीं है कि हम 24 लाख जॉब्स ये पार्लियामेंट का सत्र खत्म करने से पहले दे रहे हैं, चुनाव का अनाउंसमेंट होने से, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले दे रहे हैं, ये अनाउंसमेंट करना नहीं है. लेकिन आपको ये आरक्षण वाला अनाउंसमेंट करना है, जॉब से, यानी कि ये हवा में लटकता हुआ गाजर है. ओके, देखिए, जो नौकरियां जनरेट नहीं हुई हैं ये एक सवाल है. अगर आपने भी देखा होगा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग CMI की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उस पर सवाल, बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट है जिसमें, और ये भी क्रिटिसिज्म रहा है कि जॉब्स को लेकर जो बहस होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई है और एक क्रिटिकल मुद्दा होगा. बिल्कुल, मतलब हम लोगों का, आप जो कह रहे हैं कि 2019 के कॉन्टेक्स्ट में मेरा क्या रुख रहेगा, मेरा यही रुख रहेगा कि असली मुद्दों पर बात की जाए. ठीक है, कल को महागठबंधन के सारे कंपोनेंट्स मिलकर सरकार बनाते हैं, सपोज NDA की सरकार नहीं बनती है तो उनको भी कुछ ऑफर करना पड़ेगा टू वी द पीपल, टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि वो कैसे रोजगार देंगे, कितने रोजगार देंगे, ये प्रमुख मुद्दा बनना चाहिए. जिग्नेश, 2-3 सवाल क्योंकि हम इसको एंड करेंगे, 2-3 सवाल हैं और मैं उस, क्योंकि
कल ही ये कैबिनेट की तरफ से फैसला हुआ है, और जो कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या, और जिस पर अगर आप थोड़ा क्लैरिटी से जवाब दे पाए, और ये सरकार की पॉलिसी को लेकर नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सो कॉल्ड हाई कास्ट से है ना, और गरीब स्थिति में है, वो ऐसे फैसले अगर सरकार लेती है और लंबे, और ये कब लागू होगा वो अलग बहस है, और कॉन्स्टिट्यूशनली पास होता है कि नहीं अलग बहस है, वो इसका स्वागत करेंगे, तो क्या उनके लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और ब्राह्मण समाज से हैं और अन्य समाज से हैं, हायर सो कॉल्ड हायर कास्ट समाज से हैं, उनको फायदा ना मिले? क्या उनकी गलती है कि वो एक सर्टेन कास्ट से हैं इसलिए उन्हें आर्थिक फायदा नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आर्थिक फायदा उनको मिले उसके लिए तो 500 सरकारी योजना है, उन योजनाओं का क्या हुआ? सिर्फ इसी के चलते उनकी आर्थिक उन्नति हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। दैट इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। ये मुद्दा मैं समझाना चाहता हूं। आपके पास सरदार आवास है, इंदिरा आवास है, अंबेडकर आवास है, सिलाई मशीन देने की योजना है, नहीं इसमें हायर एजुकेशन में भी लोन देने की योजना है, स्किल इंडिया बन रहा है, मेक इन इंडिया बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, ये योजना है, वो योजना है, 600-700 गवर्नमेंट स्कीम से सारी गरीब निवारण की योजना है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की, आर्थिक उन्नति की योजना है, इन सारी योजनाओं से कुछ निकला ही नहीं। अरे रे रे बेचारा 56 इंच का सीना, मायूसी होती है सुनकर। सरकार के सरकार के फेल है गुजरात मॉडल। मतलब एक मैं बयान देख रहा था कि क्योंकि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उसके लिए इसी कारण उन्होंने ये फैसला किया है, तो शायद आपके सवाल का जवाब बीजेपी के एक नेता, और दो तीन बस क्विकली उसके बाद से हम रैप करेंगे। ऋतुपर्ण त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि जिग्नीश से पूछें कि आरक्षण पूरी तरह से कब तक समाप्त हो पाएगा, कोई है इसका अंदाजा कब तक समाप्त होने की बात है? क्योंकि एक सर्टन पीरियड तक लागू हुआ था, उसके बाद भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाति नाम का कीड़ा बचेगा तब तक आरक्षण रहेगा। जाति निर्मूलन हो जाए, ना कोई सवर्ण हो ना कोई दलित हो, दोनों इंसान हो, तब आरक्षण भी नहीं रहेगा शायद। अंकित दुबे आजाद पूछ रहे हैं कि जिग्नेश जी आपके हिसाब से गरीब सवर्ण के उत्थान के लिए क्या योजना है? गरीब सवर्ण भी कहीं ना कहीं काम धंधा करता है, मजदूरी करता है, रोजगार के लिए जाता है, तो वो जो पैदा करता है वो जाता है उन 1% लोगों के पास, ठीक है, जो सारा वो चूस लेते हैं 1% लोगों के पास। देश की 60-65% पूंजी चली गई है, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग हैं जो रोज के 20 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। ये आर्थिक लूट खत्म होनी चाहिए, इसलिए ये समाज केवल सेक्युलर नहीं, संविधान की प्रस्तावना में बताया गया उस हिसाब से समाजवादी भी बनना चाहिए। कमाने वाला खाए और लूटने वाला जाए, नहीं ये तो आपने बिल्कुल अब दूसरे ही प्लेन पर ले गए हैं। तो उस प्लेन पर जाना पड़ेगा जो एक आम आदमी की समझ में आए, वो बताइए आम आदमी की समझ के हिसाब। हाँ, आम आदमी की समझ के हिसाब से नहीं, आम आदमी को बहुत सिंपलीफाई करके बताता हूँ। हाँ, कि ऐसे ही उत्पादन की प्रणाली हो जिसमें जो सारे लोग मिलकर पैदा करते हैं और वो जो पैदाइश है वो बाजार में बिके, और उसका जो मुनाफा हो जिन्होंने पैदा किए उसमें उनका इक्वल बंटवारा हो। I hope समझ में आ गया होगा जिसने सवाल किया होगा। अब बताइए आखिरी सवाल आपसे, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे? मेरा पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। मेरा लोकसभा का व्यक्तिगत तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा ऐसा कोई तय नहीं है। सोच रहे हैं उस पे? सोच रहे हैं, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि ना लड़ू। अच्छा। लेकिन कैंपेनिंग करूंगा, और ये जो मुद्दे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसी मुद्दे के ऊपर एक चुनाव लड़ा जाए, खुद का एजेंडा सेट किया जाए। वो एक चांसेस हैं, क्यों नहीं लड़ने के क्यों चांसेस हैं? मतलब ये इसके भी थोड़ा अब आप नेता हैं तो आपका जो स्टैंड है वो सोच है वो तो लोग जानना चाहेंगे ना, क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? आप ये चीज नहीं कह सकते मैं सोचूंगा इस बारे में। भाई आपके आपको लोगों ने वोट दिया है, आपको लोगों ने वोट दिया है, वोट देकर आपको एमएलए बनाया है, तो आप कुछ तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन होगी, आपके क्या प्लान्स हैं? अभी आप नहीं कह सकते, आप तो मतलब कब सोचेंगे, क्या चुनाव के बाद सोचेंगे कि चुनाव लड़ना है कि नहीं? नहीं, चुनाव के बाद भी सोच सकते, बहुत से चुनाव भविष्य में आने वाले हैं। मतलब भाई अब तो अप्रैल मई में अभी 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 हम लोग क्या सोच, अभी मैंने चुनाव लड़ने का कोई फैसला नहीं किया है। तो कब तक फैसला करने की उम्मीद? लेट अस सी, अभी कुछ तय नहीं, ज्यादा चांसेस है कि ना लड़ू। ज्यादा चांसेस है ना लड़ने? अच्छा, क्योंकि मतलब आपको लगता है कि आप ग्राउंड में लोगों को मोबिलाइज करना, मतलब पूरे देश में कैंपेनिंग भी होगा और चुनाव लड़े तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना पड़ेगा वो सब। अच्छा, शुक्रिया जिग्नेश बीबीसी से बात करने के लिए, जो लोग हमारे साथ से थे इस फेसबुक लाइव में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।